तो यार पिछले कुछ सालों से दुनिया में बहुत से चैलेंजेस आए हैं, जैसे COVID-19, ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। और इसी तरह के ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इस साल G20 को इंडिया लीड करने वाला है। इस बार इंडिया के पास एक चांस है पूरी दुनिया को चेंज करने का। लेकिन इससे पहले ये G20 है क्या, जानेंगे अभी। देखो, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दुनिया के 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज शामिल हैं और इंडिया इनमें से एक है। अब आप पूछोगे, यार वो सब तो ठीक है, लेकिन इसे बनाया किस लिए है? तो सुनो, ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड मेजर इश्यूज जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब बड़े बड़े इश्यूज को दुनिया के पावरफुल कंट्रीज एक साथ मिलकर सॉल्व कर सके, इसलिए G20 को बनाया गया है, जिससे ओवरऑल मैनकाइंड का भला हो सके। 26 सितंबर 1999 में इस ग्रुप को बनाया गया था, जो पूरी दुनिया का 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 75% इंटरनेशनल ट्रेड और 60% लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। हर साल G20 को अलग अलग देश लीड करते हैं, यानी लीडर की कुर्सी इन 20 देशों के बीच रोटेट होती रहती है। और इस साल G20 की 18th मीटिंग को इंडिया होस्ट करेगा, 9 से 10 सितंबर के बीच न्यू दिल्ली में मौजूद IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में G20 की मीटिंग होने वाली है। 2023 के G20 के लिए इंडिया ने इन देशों के लीडर्स को इनविटेशन भेजा है, जिसे आप सब स्क्रीन में देख सकते हो। टोटल 11 लीडर्स हैं अलग अलग देशों से। वैसे इस साल इंडिया पहली बार G20 को लीड करने वाला है, लेकिन इससे पहले भी इंडिया को 2021 में G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी, लेकिन उस वक्त इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए 2021 के G20 को इटली ने लीड किया। फिर 2022 में इंडिया G20 को लीड करने वाला था, लेकिन इस बार इंडोनेशिया ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि वो G20 को लीड करना चाहते हैं। और इस तरह से फाइनली इस साल यानी 2023 में इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली। G20 में मौजूद इन 20 देशों में से हर एक देश को G20 लीड करने के लिए पूरे एक साल मिलते हैं, और उस एक साल के अंदर बहुत से अलग अलग समिट्स होते हैं, यानी मीटिंग्स होते हैं, जैसे B20 समिट्स। यहां बी का फुल फॉर्म है बिजनेस लीडर्स, यानी G20 में मौजूद 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के बिजनेस लीडर्स की मीटिंग। वैसे ही L20 समिट, C20 समिट, S20 समिट, T20 समिट और भी बहुत से ऐसे सिमिलर मीटिंग्स होते हैं, जिसे आप सब स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इस साल के G20 का थीम है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस बार के एजेंडा प्रायोरिटीज में इंडिया मेजरली 6 चीजों पर फोकस करेगा। पहला है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। दूसरा है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। तीसरा है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs। चौथा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी। और छठवा है वुमेन लेड डेवलपमेंट। मतलब इन शॉर्ट, ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज और COVID-19 जैसे पैंडेमिक को फेस कर सके उसके ऊपर डिस्कशन होगी, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट होगी, स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जाएगा और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाएगा। वैसे यार इतना सारा ज्ञान पसंद आया और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो जल्दी से सबको शेयर करो ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। और तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में।